Agar Bahishti Boshe On Angels. On Angels. On Angels. Good morning, guys, and welcome back to the channel. Place Bamyan. और आज हम जा रहे हैं बंद अमीर लेक को देखने. सो ये एक नेशनल पार्क भी है, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा लेक भी है. और इसकी फ़ोटो मैंने सबसे पहले कब देखी थी, आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक यूक्रेनियन काउसर्फर को होस्ट किया था विताली के नाम से. भाई अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, तब मैंने विताली की फ़ोटो देखी थी बंद अमीर लेक की. और मैं यार इतनी प्यारी जगह, और वो भी अफ़गानिस्तान में, मतलब कि तभी से मेरे अंदर अफ़गानिस्तान आने की जो वो थी ना चुल पैदा होने लग गई थी. और उसके बाद फिर धीरे 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 और चीज़ों को देखता रहा मन में आती रही, और चीज़ों को देखता रहा मन में आती रही, और आज अब अफ़गानिस्तान में हूँ मैं. सो वो रहे बामियान के बुद्धा, इधर बड़े वाला बुद्धा स्टैचू, उधर छोटे वाला, और वो पूरी सिटी अफ़गानिस्तान का सबसे पीसफुल और सबसे सेफ एरिया है बामियान. ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं बंदे आमिर. तो नेशनल पार्क के अंदर हमारी एंट्री हो गई है. अब यहां से थोड़ा कच्चा रोड है. आपको एक अच्छी बात और बताता हूं, अभी जिस रोड पर चल रहे हैं हम, अभी हमने मेन रोड छोड़ दिया है. बंदा आमिर लेक का जो रास्ता है वो कच्चा है, और इस रास्ते के लिए अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा दिया है. मनी इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया है, बस लगभग 5-6 महीने बाद इस रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा. सो अफगानिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट? Yeah, they said they are going to do it, but... So, but the government has given the money, the Indian government? Yeah. It's so blue. Yeah. Bolo ke diriya. So according to mythology, the lake was stopped from there or that side? From there. You know, like from the bottom, if you look, it's kind of like very teeny wall that has stopped the whole lake. Huge amount of water. So, you know, there used to be 7 lakes. Yeah. From down there to all the way to, it's like 7-8 kilometers. The water is so blue and so clean here, yeah? इतना साफ पानी तो कहीं नहीं देखा है मैंने आज तक. अकॉर्डिंग टू इस्लामिक माइथोलॉजी, ये लेक पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, और इस लेक के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आती थी. लेकिन जो शिया लोगों के फर्स्ट इमाम थे आमिर हज़रत अली, उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ काट के इस लेक को रोक दिया. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी. No man, it's so cold today. I don't want to try. I want to try. You want to try? Yeah. But not. I want to try, but not today. पहले इतनी ठंड हो रखी है, और बर्फ का पानी obvious ही बात है बहुत ठंडा होगा. So now we are going down. Yes. जो सामने आपको दीवार दिख रही है ना,
वही दीवार है लेक की, और उसके पीछे लेक, और इधर एकदम लेक बंद हो गया है, और जो पानी ऊपर से बह रहा है वो लेक ओवरफ्लो होने के कारण वाटरफॉल से बन गया है। सलाम। You go down? Yeah, you have to walk. It's a kind of Hindi and Punjabi mix. Heli sir, thandi thandi hawa chal rahi hai. So hum ek canyon ke beech mein hai, aur canyon ke beech mein Band-E-Ali lake bana hua hai. So it's not the one lake, it's like some different lakes, yeah? Yeah, seven lakes, and yeah, they have different names. Zulfiqar Lake, Band-E-Amir Lake. This is not Band-E-Amir, yeah? This is all the lake is Band-E-Amir, but Zulfiqar Lake, Cheese Lake, yeah, Pudina Lake, yeah, and Amir Lake. And the Pudina Lake is also here. In the winter season, because all the lake is frozen, yeah, and if some people came for picnic here, just they can ride horses on the lake. On the lake? Yeah. It's, and they can also ski, like ice skating. Cross country. Yeah, ice skating, yeah? Yeah. But on that time, you have to polish the ice. Okay. So it's all frozen during the time of winter. सर्दियों के टाइम पर पूरा लेक जम जाता है. यहाँ पर लोग horse riding करते हैं इसके ऊपर. It really looks like someone has put blue color. Yeah. It's so blue. Yeah. तो लाले दी जान, ये है Band-E-Amir का सबसे हाईएस्ट पॉइंट. यू हैव टू से अगर अगर जन्नती बोशा अगर जन्नती बोशा ऑन इंजॉयस ऑन इंजॉयस अगर जन्नती बोशा ऑन इंजॉयस, मतलब अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो यहीं पर है. अमी अस्तो, it is here. तो ये बात जहांगीर ने कश्मीर के लिए कही थी, अगर दुनिया में कहीं पर जन्नत है तो वो यहीं पर है. यही बात मैं Band-E-Amir लेक के लिए बोलना चाहूँगा, और बामियान के लिए भी. एक तरह यहाँ मेरे को लग रहा है कि सेचुरेशन को ज़्यादा ही बढ़ा दिया है. यहाँ पर पानी देखिए, आसमान देखिए, हर चीज़ कुछ हद से ज्यादा अमेजिंग लग रही है. सो लेट्स गो ब्रदर. हेलो ब्रदर. हेलो. हाउ वाज इट? मोर देन जन्नत. अब वापस से बामियान जाने का टाइम हो गया हमारा. बाकी तो Band-E-Amir लेक बामियान से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है. चल दिए वापस बामियान की ओर. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी व्हिच चंगेज खान डिस्ट्रॉयड? बुलबुल. गुलगुला सिटी. सो अब यहां से हम जाएंगे गुलगुला सिटी.
Namaste. Afghan jalebi, masook farebi, chehra mera deewana bhaiya. Chimiga. What is this chimiga? No worry. Yeah, chimiga. What does it say? Chimiga. We are entering into Gholghola city. I'll see you. पहुंच गया गुलगुला सिटी में. Shahr-e-Gholghola city of screams is a fortified urban site dating from the late secession period 6th AD through to the destroyed by the Mongols under Genghis Khan, who invaded in 1221 and massacred all the inhabitants. So Mehdi, this city was built before Islamic, yeah? No, it was before the Genghis Khan attack here. Also the in 1221, yeah, the king was the Muhammad Khwarazm Shah. Muhammad Khwarazm Shah was also Muslim, yeah. And also when the for the first time when the Genghis Khan attacked here, the grandson killed by the Khwarazm Shah soldiers, yeah. And you know the Genghis Khan want to save city, you know, yeah. But after that he decided to like destroy the city, destroy it. Yeah. But they couldn't. And also, you know, it has also a love story. Huh? The daughter of the Muhammad. Can you come to say? Yeah, like, yeah. The daughter of the Muhammad Farad Shah. Yeah. She loves the one of the Mughal soldiers. Yeah. And then she said, she wrote in a letter and shoot it with a slingshot. Yeah. To the soldiers. If you block the because the city, it had secret water pipe. Yeah. If you block the water, you can defeat my father. Oh, it was the like girl who told. Yeah, the daughter of the king. Yeah. And the Genghis Khan, the soldier, they try to find the spring of The city. Yeah. And then they block the water, the pipe, and then they destroy the city and they kill all of the people of the. So it's Hazara people used to live here, or Hazara people became after Genghis Khan? After Genghis Khan. So before Genghis Khan, there was no Hazara people? No. And you will see some mosque inside the city. Okay. So Hazara people are descendants of Genghis Khan? Yeah. So you are also Hazara? Yes. But my face is a little different. Yeah. Because my grandfather, he got married with Pashtun. Oh. But still you have a blood of Genghis Khan, yeah? Yeah. So Mehdi bhai Genghis Khan ke pad 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 pata nahi kitne pad pote hai. Aur to aapko duniya mein jitne bhi hazara log milenge. Ab hazara log kaun hai? Ek baar puri story ko dobara batata hu. Afghanistan ke andar 6-7 tribes hain. Jin mein se jo dominant hain sabse pehle to Pashto. Pashto ke baad Tajik. Tajik ke baad Uzbek, Hazara, and like Tajik, Pashto, Uzbek, Hazara. We have some Turkmen as well. Turk. Yeah, and a little Arabs. Arabs? Where are they living? In the south. In the but south. But they speak Dari or Pashto. So is there any other cities or other parts in Afghanistan which are destroyed by the Mongols army or Mongolians? You saw the Balkh also. Some part of the Balkh also destroyed by Genghis Khan as well. Oh, the Balkh mosque or no? Or the no, Balkh's walls? The walls. Oh, those walls were destroyed by Genghis Khan? Yeah. Udhar samne reh gaye Buddha ke statue. Idhar city. और मैं अभी एक दीवार के ऊपर बैठा हूं. तो जिन लोगों को नहीं पता है, मेरी नेक्स्ट कंट्री
कि वही है जहां से इस सिटी का डिस्ट्रॉयर था. यस, माय नेक्स्ट कंट्री इज मंगोलिया, चाइना. फाइनली आई एम गोइंग टू मंगोलिया एंड चाइना, एंड ऑलरेडी मैंने वीजा ले लिया है. हैप्पी वर्ल्ड. थैंक यू. क्लियर फ्रॉम हियर? नो, आई एम फ्रॉम हेरात. हेरात? या हेरात इज लाइक नियर टू ईरान. या सो यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग ईद हियर? या ओनली आई वांट टू सी दिस सिविलाइजेशन. Yeah. Also Buddha. Yeah. And for the Taliban help Pakistan to yeah, broken everything here. It's really, very nice. It's amazing. Oh. Your country is really amazing. But unfortunately we don't have very good leader to board it again. You know, like it's not because of the leader also. All the superpower are fighting over, yes, Afghanistan. Because we have very good place. And Mehman Nawaz is Ali. Yeah. Ali. What's your name? Abdul Rauf. Dipanshu. Thank you. Thank you very much. Tashakur. Shakur. Yeah. Thank you.